हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं पाबुरा विश्नोई, शारीरिक शिक्षकागार, और आप देख रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का ये नज़ारा। ब्लॉक सांचौर का है, खेल स्थल बीडानी सांचौर, और इस समय क्षेत्र रक्षण कर रही है टीम कारोला और बैटिंग पलादर। इस मैदान पर शानदार मुकाबला, कड़ा मुकाबला इस समय दोनों टीमों के बीच में, कड़ी प्रतिस्पर्धा, और इस समय शानदार खूबसूरत ये मैच का नज़ारा। और पर डटे रहना होगा, तब जाकर के ये नैया पार होगी। कैसे लग रहा है कारोला इस बार जीत सकता है क्या? पलादर के दोनों बल्लेबाज, कारोला फिलहाल अच्छी फाइटिंग मैच चल रहा है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, बड़ा रोचक मैच है। पलादर उल्टफेर करने की उम्मीद है मुझे, बट कारोला की वैसे जानी मानी टीम है, पुरानी, काफी अच्छे खेलते हैं, फुटबॉलर भी अच्छे हैं, देखते हैं, मुझे विश्वास है कारोला हमारी टीम जीतेगी। बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ सुबह से आप इनका जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम ग्राउंड को लेकर खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इतनी आपने क्या मेहनत की इस ग्राउंड को लेकर, क्या कहेंगे आउटफील्ड के बारे में? ग्राउंड आउटफील्ड सब ग्रामीणों की भूमिका है, इन्होंने अच्छे तरीके से काफी मेहनत करके पिछला यहाँ फुटबॉल के सीजन दो करवाए हैं, रात्रिकालीन फुटबॉल मैचेस की, इससे काफी कुछ श्री गांव वालों का जाता है, और स्थानीय विजय आप हो ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपकी टीम के मतलब के सारण वगैरह बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, इसके मतलब आप शानदार ग्राउंड देख रहे हैं, वही आपकी अहम भूमिका है, हम तो मात्र एक छोटा किरदार निभा रहे हैं एक पीटीए के रूप में। ये थे हमारे साथ में बीडानी इंग्लिश मीडियम स्कूल के शारीरिक वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पूर्ण राम जी गर्ग, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश जी शारीरिक शिक्षक करावड़ी। इस मैदान को लेकर और यहाँ के दर्शकों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों में काफ़ी उत्साह है साहब, और मैदान भी बहुत अच्छा है, समतल बाउंड्री है, पिचेज अच्छे हैं, और सभी अच्छा है, एम्पायरिंग भी अच्छी हो रही है, खिलाड़ी टीम भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी है सभी टीमों की, खूब रन बन रहे हैं, जोरदार मजा आ रहा है, उत्साह इतना है दर्शकों में, खूब दर्शक इसको देखने के लिए आ जाते हैं। थैंक यू। ये थे लोकेश जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लालपुर शारीरिक शिक्षक दिनेश जी। दिनेश जी, इस दर्शक जमावड़ा है जो सुबह से आप देख रहे हैं, तीन दिन से आप प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के मैदान आउटफील्ड और सुख सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सुख सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था, खिलाड़ी भी अच्छे हैं, अच्छे खेल रहे हैं, और गांव के लोगों का बहुत सहयोग है, और अच्छा चल रहा है मैच, बहुत रोमांचक स्थिति में है, और बढ़िया अच्छे मैच चल रहे हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दिनेश जी, और ये मैच का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं, शानदार फिलहाल रोचक मुकाबला कारोला वर्सेज पलादर के बीच में, और ये टीम है पलादर। पलादर का खेमा फिलहाल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और पलादर के व्याख्याता श्रीमान जगदीश जी जानी, आप टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, और इस मैच को लेके क्या कहोगे और अपने खिलाड़ियों के बारे में बताइए। बड़ी मजबूती से खेल रही है, सेकंड इनिंग्स में अभी 3 ओवर के साथ में 32 रन हो चुके हैं, 20 रन बनाने हैं, 2 ओवर में हम लगभग 1.3 ओवर में बना लेंगे 4 पॉइंट। वाओ, क्या बात है, पलादर का खिला में पॉजिटिव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ग्रामीण जन के यहाँ युवा नेता छात्र नेता पीके सारण यहाँ मौजूद है, आप काफी समय से इस ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, और आज ये आयोजन है, काफी जमावड़ा है, और यहाँ आपने सुख सुविधा जैसे भामाशाह भी बने हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था कराई है, साउंड की है, तो आप इस आयोजन के लिए क्या कहेंगे, खिलाड़ियों में कैसे उत्साह है, क्या मैच हो रहे हैं, कैसे हैं? राज्य सरकार के द्वारा जो ये राजीव गांधी खेल ओलंपिक जो आयोजन के लेकर के जो हमारे स्थानीय पीटीआई और उनके सचिव प्रभारी साहब ने जो ये आयोजन हमारे को दिया, उसके लिए उनका सबसे पहले तो हम आभारी है, और जो ये गहलोत सरकार की जो पहल है वास्तव में बेहतरीन पहल है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से जो युवा और खेल खेल करके जो आगे राज्य स्तर पर जाएंगे सबसे बेहतरीन पहल है, राजस्थान सरकार ने पहली बार एक ऐसा खेल का आयोजन करवाया, और बखूबी राजस्थान सरकार ग्रामीण खेलों के संघ में बेहतरीन कार्य कर रही है। थैंक यू। ये से हमारे साथ में पीके सारण, अब संक्षिप्त में बताएंगे वरिष्ठ शिक्षक गोड़ासन जगदीश जी दायल, इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे?
माननीय मुख्यमंत्री की बहुत ही बढ़िया पहल है कि जो युवा और बुजुर्ग हैं जो खेल से दूर हो रहे हैं उनको एक बार पुनः एक ही मैदान में एकत्रित करके भाईचारे की भावना और सद्भावना को साथ में लाने का जो उनका मकसद है उसको ये आज पूरा हो रहा है। थैंक यू। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शारीरिक शिक्षक बबलू जी। इस आयोजन में गांव वालों की जो भूमिका है और उन्होंने जो सहयोग है कैसा किस प्रकार रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बाबू जी, गांव वालों की बहुत ही जबरदस्त भूमिका है, इसमें सहयोग भी है। जैसे पानी का है ना, उन्होंने फर्स्ट दिन में जो पानी की कमी थी तो गांव वाले के सहयोग से पानी के कैंपर भी यहां पर है। और पानी के कैंपर एक नहीं है, कम से कम 30-40 पानी के कैंपर है। और गांव वाले वाले के जो युवा लड़के ऑपरेट कर रहे हैं, जो दमाना के गोलिया की टीम है वो चौरा से हार गई। और ये कड़ा मुकाबला, ये थे हमारे साथ शारीरिक शिक्षक बबलू जी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा एडवोकेट अनूप जी सारण। यहाँ जो आपके गांव के अंदर है ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खेल स्थल बीडानी को चुना है, क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है पिछले दो दिनों से, आप क्या कहेंगे? गांव में पिछले दो वर्षों से कई सफल प्रतियोगिताएं आयोजन हुई है, जैसे उसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट और बीडानी गांव में हमेशा खेल प्रेमी रहे हैं सबसे ज्यादा। और राज्य स्तरीय पर कई बार जा चुके हैं ये टीम, और जिस कारण यहाँ सचिव महोदय ने हमें जो मौका दिया है यहाँ खेल मैदान में उसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं। हमारा और ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे सभी ग्रामीण क्षेत्र से सभी प्रतिभाएं पहुंच रही है। निश्चित रूप से ये बेहतरीन खेल प्रदर्शन कर राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, जिले का नाम रोशन करेंगे, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि खेल में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले शहरी ओलंपिक जो खेल हुआ उसमें आपके क्लब प्रतिष्ठा क्लब जो उसमें विजेता बनी है, तो उस प्रतिष्ठा क्लब कब क्या बना, कैसे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस की, इसके बारे में कुछ बताइए। क्लब के पीछे काफी लंबी और क्या कहें उसके बारे में, लेकिन एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी है इसके बारे में। लेकिन प्रतिष्ठा क्लब में जो खेलने वाला खिलाड़ी वो हमेशा नाम के बदौलत खेलता है, ना कि किसी लोभ और लालच की बदौलत। और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर जिला स्तर पर यहाँ जिला स्तर पर पहुंची है, और अब 1 तारीख से यहाँ जिला स्तर पर होने वाले टूर्नामेंट में हम प्रतिभागी के रूप में पहुँचेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम राज्य स्तर पर भाग लें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में युवा एडवोकेट अनूप सारण, और ये हमारे साथ में शारीरिक शिक्षक बिजरोल प्रवीण जी स्कोरिंग कर रहे हैं। समय उनके पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी जानने चाहेंगे छोटी सी बात, कैसा लग रहा है आयोजन आपको? बहुत शानदार आयोजन, बाबू जी घायल है, यहाँ के स्थानीय शानदार व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अच्छी है, और दर्शकों से खसाखस भरा हुआ मैदान है, शानदार मुकाबले चल रहे हैं, रोमांचक मुकाबला चल रहे हैं। धन्यवाद। हाँ प्रवीण जी के पास समय कम है क्योंकि ये स्कोरिंग बोर्ड कर रहे हैं और इसमें मैच चल रहा है लाइव, एक एक अपडेट कर रहे हैं। ग्रुप में टेक यून, और मैच की अंतिम बॉल, एक बॉल पर रन बनाने 3 रन पलादर को, बॉलिंग करती हुई टीम कारोला, और इस बीच दौड़कर ओ ये क्या हो रहा है, दूसरा रन भी ले लिया और ये तीसरा रन भी ले लिया, और इसी बीच पलादर ने मार लिया बाजी, जहां 1 रन नहीं था वहां 3 रन दे दिए, और खुश नजर आ रहे हैं पलादर टीम के प्रभारी, और दोनों पे 2 रन ले लिए, और इसी तरह अंतिम बॉल पे 3 रन बनाकर पलादर की टीम विजय हुई। शानदार जानदार मुकाबला बीडानी के इस खेल ग्राउंड में संध्या काल में, पलादर की टीम कारोला पे बाजी मारती हुई। ये मुकाबला